बच्चों कैसे हैं आप। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि चैप्टर 9 है अपनी केमिस्ट्री का। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आया हुआ है एडिशन कंपाउंड। सो एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड, उनको अपन देख लेते हैं। जो दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड्स को ऐड करने पर बने वो एडिशन। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाई एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड्स आर नोन एज एडिशन कंपाउंड। लाइक एग्जाम्पल, इफ यू टेक फर्स्ट एग्जाम्पल फेरस अमोनियम सल्फेट और यू कैन से मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड। वाई? बिकॉज वैन वी फॉर्म मोर सॉल्ट देन फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट एडेड इन वाटर एंड गेट वेपराइज। जब हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को वाटर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, तो दो कंपाउंड्स हैं देखो, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इनको अपने एक सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, ये दोनों सॉल्यूट हो गए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 को बोलते हैं SO4 डॉट 6H2। ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड बनेगा, इसे बोलेंगे अपन फेरस अमोनियम सल्फेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड, बिकॉज दिस कंपाउंड इज फॉर्म बाई एडिंग टू स्टेबल कंपाउंड फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट इन वाटर। ओके, नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज पोटाश एलन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, इज K2SO4 डॉट Al2SO4 को बोलते हैं डॉट 24H2। एंड हाउ इट इज फॉर्म, वैन वी कंबाइन पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर। जब हम पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में बच्चों डिजॉल्व करते हैं, देन वी गेट पोटाश एलम। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड, वैन वी एड सोडियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, देन वी गेट दिस पर्टिकुलर एडिशन कंपाउंड। एंड दिस एडिशन कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम दीज टू, बिकॉज इन दिस एडिशन कंपाउंड वी सी ए वेरी स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट। ओके, अच्छा, फोर्थ पोटेशियम साइनाइड एंड फेरस साइनाइड, K4FeCN का होल सिक्स बन गया, K4FeCN का होल सिक्स, यहाँ भी एक ब्रैकेट आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या है, NaCN प्लस AgCN को कंबाइन किया अपन ने, तो हुआ क्या बच्चों, देखो जो सिल्वर है यहाँ पर एक साइनाइड से अटैच्ड है, और ये साइनाइड भी यहीं पे आ जाता है सिल्वर के पास, तो साइनाइड हो गए दो, ब्रैकेट बन गया और सोडियम बाहर ले गया। और यहाँ क्या हुआ बच्चों, Fe के साथ दो साइनाइड अटैच्ड है, चार यहाँ से आ गए 4KCN से, तो 4 of 2 हो गए 6, और 4 पोटेशियम बाहर हो गया। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं एडिशन कंपाउंड, इनको अपन अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें बच्चों ब्रैकेट लिखा हुआ है, और जो ऊपर वाले जिनमें कोई ब्रैकेट नहीं है बड़ा वाला, ये अलग कैटेगरी में होते हैं। तो एडिशन कंपाउंड की कितनी कैटेगरी है, दो। जिनके नाउ वी टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, सो ऑन द बेसिस ऑफ द वन क्राइटेरिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्राइटेरिया, एडिशन कंपाउंड ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, पहले बच्चों डबल सॉल्ट और सेकंड है बच्चों एडिशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट जो हमें पढ़नी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है डबल सॉल्ट, बट एज ए बताया हुआ है सिंपल, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो एडिशन कंपाउंड का एक टाइप होता है। अच्छा, बहुत अच्छे, तो स्टार्ट करते हैं डबल सॉल्ट, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। ओके, द एडिशन कंपाउंड दोज कम्प्लीटली आयोनाइज इंटू देयर ऑल कॉन्सिक्वेंट आयन्स। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो अपने आयन्स में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, जब इनको डिजोल्व किया जाता है, इन एक्वा सोल्यूशन आर नोन एज डबल सॉल्ट। दे गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल आयन्स, दीज आर स्टेबल इन एनी सॉलिड फॉर्म। मतलब ये डबल सॉल्ट जो होते हैं वो स्टेबल कहाँ होते हैं, अपने सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि जैसे इनको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो पानी में तो ये अपने आयन्स में बिखर जाते हैं बच्चों, तो ये स्टेबल नहीं होते पानी के अंदर, ओनली सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल होते हैं। जैसे ये मोर सॉल्ट है बच्चों, अभी देखो ऊपर देखा था अपने, कैसे ये क्या एडिशन कंपाउंड है, कैसे बनेगा ये FeSO4 NH4 को उल्टा, जिन फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को अपन कंबाइंड करेंगे, वाटर में ऐड कर देंगे, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो हमारा एडिशन कंपाउंड है, ये एक्चुअली में क्या होता है, जब इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है, तो फेरस आयनों में, सल्फेट आयनों में और अमोनियम आयन, सारे के सारे आयन्स जो इसके अंदर है वो बिखर जाते हैं पानी के अंदर, और अपना इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। इसका मतलब अगर इस मोर सॉल्ट को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया और हम फेरस आयन का टेस्ट लेना चाहें, तो पॉजिटिव आएगा, सल्फेट का पॉजिटिव आएगा, अमोनियम का पॉजिटिव आएगा, तो सारे आयन्स अपना टेस्ट देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ये वाला, K2SO4 और Al2SO4 का अंतर 24H2O, यहाँ पर बच्चों 24 है। ओके, 4, ये है हमारे पास पोटाश एलम, फिटकरी बोलते हैं जिसको, इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये भी अपने सारे आयन्स में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और सारे के सारे आयन्स अपना
इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। तो बच्चों डबल सॉल्ट में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहली चीज़ कि बच्चों ये एडिशन कंपाउंड होता है, दूसरी चीज़ ये अपनी सॉलिड स्टेट में ही बच्चों स्टेबल होता है, और जैसे ही इसे वाटर में डालते हैं ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। अगर अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता तो अपन कहते हैं कि एक्वास में भी स्टेबल है, बट अपने आयंस में डिवाइड हो रहा है पानी में डालने पर तो स्टेबल नहीं होता। और तीसरी चीज़, वो जितने भी आयंस बनते हैं वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। अब मेरे साथ रिवाइज करो, पहली चीज़ क्या है बच्चों डबल सॉल्ट के बारे में, ये एडिशन कंपाउंड होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये डबल सॉल्ट अपने सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बट अपनी एक्वास स्टेट में क्या होते हैं, अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, आयंस में डिवाइड होने के बाद इन सभी आयंस का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। ओके, अच्छा तो अब अपन लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, हमारा जो एडिशन कंपाउंड है वो हमारी चैप्टर का नेम है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ही तरीका पहचानने का, गुफा बन जाती है बड़े ब्रैकेट में का वाला जो कंपाउंड है, द एडिशन कंपाउंड विच नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन टू देयर ऑल कॉन्सिक्वेंटेंस। मतलब ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होती है एक्वस सॉल्यूशन में, कम्प्लीटली नहीं होती, मतलब पार्शियली आयनाइज हो जाते हैं। कुछ आयंस मिल सकते हैं हमें, लेकिन सारे आयंस नहीं मिलेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, और नॉन एस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात ये उठती है कि सारे आयंस क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। तो जो आयंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों, वो वाटर के द्वारा नहीं टूट सकते, इसीलिए वो आयंस में नहीं बिखरते। क्लियर है? अच्छा तो बच्चों अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि अच्छा, और ये सारे आयंस अपना टेस्ट भी नहीं देते। जो आयंस डिवाइड हो जाते हैं वो तो देते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, बाकी जो डिसोसिएट नहीं होते, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं आयंस, वो नहीं देते। जैसे एक एग्जांपल लो, NaAgCN का ये कैसे बना था पता है ना, NaCN और AgCN को कंबाइंड किया था तब ये बना था। तो NaAgCN को उल्टा, ये ब्रैकेट जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये आइडेंटिफिकेशन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है बच्चों, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, मेटल होता है सिल्वर और साइनाइड होता है लिगेंड। अब तुम सोच रहे हो सर सोडियम भी मेटल होता है, लेकिन ये बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, ये सिंपल मेटल है, और ये सेंट्रल मेटल एटम है CMA। क्या है बच्चों, रिवाइज करो मेरे साथ, CMA सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके साथ क्या अटैच्ड है बच्चों, दो लिगेंड अटैच्ड है मोनोडेंटेड साइनाइड के, और इन दोनों के बीच में बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों के दोनों आयंस सिल्वर आयन और साइनाइड आयन ये अपना टेस्ट नहीं देते, और ये पानी के अंदर डिसोसिएट भी नहीं होते। ये गुफा के अंदर जो एक बार चला गया वो बाहर नहीं आता, इसकी ट्रिक है। सोडियम आयन ही अपना टेस्ट देगा यहाँ पर, तो जैसे अपने एक्वस में इसको डिजोल्व करेंगे पानी के अंदर, तो यहाँ पर सोडियम आयन अलग हो जाएगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा -1 के साथ। ऐसे ही K4Fe6 होता है, इसमें चार पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, कितने पोटेशियम आयन है, चार है, ठीक है, और ये पूरा पूरा -4 के साथ ही अलग हो जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब द कंपाउंड, दूसरे तरह से भी इनको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द कंपाउंड्स इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं मेटल को, और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये जो मेटल होता है सेंट्रल होता है, और ये लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है आयनिक। बच्चों एडिशन कंपाउंड दो टाइप के हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान है इसका ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में दो स्पीसीज मेटल, इसे सेंट्रल मेटल एटम या CMA कहते हैं, और लिगेंड कैसा होता है बच्चों, या तो न्यूट्रल होता है या आयनिक होता है। अब बच्चों हम कुछ टर्म्स देख रहे हैं, सम टर्म्स रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने। सबसे पहले टर्म जो CMA या आई, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अच्छा ये क्या होती है, द मेटल और आयन दैट प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब ऐसा मेटल जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, लिगेंड के लिए। भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप सब जानते हो, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक स्पीसीज तो डोनर होती है और दूसरी स्पीसीज एक्सेप्टर होती है, तो यहाँ पर मेटल तो एक्सेप्टर है और लिगेंड डोनर होता है, ठीक है। तो मेटल जो होता है सेंट्रल मेटल एटम, वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, लेकिन लेगा कहाँ, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्पीसीज है बच्चों लिगेंड, लिगेंड मतलब जो देता है, मतलब ये डोनर स्पीसीज होती है और मेटल एक्सेप्टर स्पीसीज होती है, ओके। तो द न्यूट्रल एटम, या तो देखो लिगेंड न्यूट्रल होता है या आयनिक होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम या आयन दैट
डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, समझिए ना, ऐसे न्यूट्रल एटम या आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसको, मेटल को, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, सेंटर साइनाइड लिगेंड है और ये सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम है। अब अच्छा बात करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड की, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम इन लिगेंड, लिगेंड डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। देखो लिगेंड का बेसिकली फंक्शन क्या है बताओ, जो लिगेंड जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो अब एक लिगेंड के पास ऐसे कितने डोनर एटम्स हैं उस बेस पे कई टाइप के लिगेंड रहते हैं, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, इस तरह से। ये बच्चों अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।